राजस्थान के चुनावी रण में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागवाड़ा और कोटरी में चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कोटरी में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बागड़ क्षेत्र ने कांग्रेस के कुशासन को झेला है। कांग्रेस नेताओं और उनके करीबियों के बीच ऐसा कारोबार है कि उनके बच्चे तो अफसर बन गए, आपके बच्चे चुन चुनकर बाहर कर दिए गए। कांग्रेस सरकार की गारंटी योजनाओं को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपनी वादों की लाल डायरी चाहे कहीं भी लेकर घूमती रहे, मोदी की गारंटी सब पर भारी है। जहां कांग्रेस से उम्मीदें खत्म होती हैं, वहां मोदी की गारंटी शुरू होती है। मेरे परिवारजनों, वागड़ क्षेत्र तो कांग्रेस के कुशासन का बहुत बड़ा भुक्तभोगी रहा है। कांग्रेस के कुशासन से कैसे युवाओं के सपने चकनाचूर हुए हैं, ये डूंगरपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में हर सरकारी भर्ती में घोटाला किया है कि नहीं किया है? घोटाला ही घोटाला किया है ना। कांग्रेस के नेताओं और उनके करीबियों के बीच ऐसा कारोबार कि उनके बच्चे तो अफसर बन गए और आपके बच्चे चुन चुन करके बाहर कर दिए गए। कांग्रेस चाहे वादों की पूरी लाल डायरी उसी को लेकर के क्यों न घूमती फिरे, मोदी की गारंटी इनके हर झूठे वायदों पर भारी है। गरीब कल्याण, जन कल्याण को लेकर कांग्रेस से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है।